हेलो फ्रेंड्स, एनडीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। एनडीसी न्यूज हर बार आपके लिए लेकर आता है कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, देखना ये रहेगा कि आज एनडीसी न्यूज में आपके लिए क्या है स्पेशल। आइए डालते हैं एक नजर। जमाना काफी आगे बढ़ चुका है, लेकिन आज भी कई ऐसे रूढ़िवादी विचारों वाले देश हैं जहां आए दिन खुले विचारों को लेकर कोई न कोई विवाद होता रहता है। ऐसा ही विवाद मिस्र की एक एक्ट्रेस रानिया यूसुफ को लेकर सामने आया। दरअसल ये विवाद हाल ही में हुए काहिरा फिल्म फेस्टिवल में रानिया यूसुफ की रिवीलिंग ड्रेस को लेकर हुआ है। इस फेस्टिवल में रानिया ब्लैक कलर की ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहनकर पहुंची, जिसमें उनकी बॉडी साफ नजर आ रही थी। बस फिर क्या था, मिस्र के लोगों ने रानिया की ड्रेस को लेकर मुद्दा बना दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रानिया के ब्लैक कलर ड्रेस को लेकर लोग नाराज हो गए। वहां के कानून के मुताबिक इस अभिनेत्री पर व्यभिचार के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर दिया गया है। आपको बता दें कि अगर मिस्र की अदालत इस मामले में रानिया को दोषी ठहराती है तो उन्हें सजा के तौर पर 5 साल की जेल सुना दी जाएगी। खबरों के मुताबिक मिस्र की अदालत रानिया के इस मामले की सुनवाई 12 जनवरी को करेगी। हालांकि रानिया ने इस मामले में माफी भी मांग ली है। रानिया का कहना था कि अगर उन्हें पता होता कि उनकी ड्रेस को लेकर इतना विवाद होगा तो वे इस तरह का ड्रेस नहीं पहनती। अपोस्तरोक्त है, अफ्रीकी देशों में अभी महिलाओं को बाकी पश्चिमी देशों के जैसे खुली आज़ादी नहीं मिली है। दरअसल यहाँ महिलाओं को इस तरह के रिवीलिंग कपड़े पहनने की आज़ादी नहीं है, लेकिन फिर भी रानिया यूसुफ ओपन नेट वाली ड्रेस पहनकर रेड कारपेट पर पहुंच गई।